लाइफ में खुशी एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो। हम अपना जीवन उन चीजों को करते हुए जीते हैं जो हमें लगता है कि हमें खुशी देगी। हम अक्सर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन आप खुद को खुश कैसे रख सकते हैं? जवाब आसान है, उन सब खुश लोगों से सीखे जिन्हें आप जानते हैं। खुश लोग खुशी के आदतों को विकसित करते हैं और जो उनके साथ सबसे अच्छे और सबसे बुरे समय में रह सकते हैं। खुश रहने वाले लोग चीजों को अलग तरह से करते हैं। आप भी खुश हो सकते हैं यदि आप प्रयास करना चुनते हैं और प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। खुशी एक ऐसी चीज है जो कोई करता है जिससे हैप्पी फील एनर्जी फ्लो होती है। यह आपको बिजी रखता है और आपको जीने का एक पर्पस देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब, आकर्षक है या बदसूरत, और यदि आप सफल है या असफल है, तो हैप्पी और अनहैप्पी लोगों के बीच मेन डिफरेंस हैबिट का है। तो इसका मतलब कि खुश हमारे हाथ में है। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी हैबिट है जिससे हम खुश रह सकते हैं। यदि आप जाग सकते हैं और बस किसी चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, तो आज आप ऑटोमेटिक ही खुश रहने वाले हैं। क्या आप कभी ये सोचकर जागे कि आज का दिन खराब होने वाला है, या आज जो चीजें मैं करने वाला वो बुरी होने वाली है, या मुझे आनंद नहीं आएगा? ये विचार जो होते हैं आपके साइकी को अफेक्ट करके आपके दिन को शुरू से ही उदास रहने के लिए प्रोग्राम करते हैं, जिससे आप दिन भर चिड़चिड़े रहते हैं। इसके अलावा एंगर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किए जाने की संभावना कम होती है। लोग जो होते हैं वो मिरर की तरह अफेक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। अगर आप किसी को मुस्कुराते देखते हैं तो आप उन्हें देखकर वापस मुस्कुराते हैं। यदि आप अपना दिन गुस्सेल गेस्चर के साथ स्टार्ट करते हैं तो अन्य लोग इसका प्रतिकार करेंगे, जिससे आपका दिन और खराब हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसके बजाय अपने दिन की शुरुआत ग्रेटफुल और पॉजिटिव के साथ करते हैं, तो आप खुश रहने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए पहले से अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर रहे हैं। अपने आप को उन चीजों की याद दिलाना जिनके लिए आप आभारी हैं, यह सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका है कि आप हर दिन खुशी का दिन है। ऑप्टिमिज्म का अर्थ है दुनिया और उसके भविष्य के परिणामों के बारे में पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखना। रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म कुछ ऐसा है जिसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। यह सोचने के बीच संतुलन रखना कि चीजें बहुत अच्छी होने जा रही है, और यह जानना कि वे स्वयं ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। हमें वह सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए काम भी करना होगा। प्रत्येक दिन की शुरुआत में एक साथ ग्रेटफुल और ऑप्टिमिज्म पर ध्यान केंद्रित करना जीवन में आपके संग्रम सुख को बढ़ाने की एक अच्छी हैबिट है। अफर्मेशन हेल्प कर सकती है इस लाइन में। आज का दिन मेरे सपनों पर काम करने के लिए एक महान दिन है, और मैं उन्हें सच करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने जा रहा हूँ। या मेरे पास एक पूर्ण शरीर, एक महान दिमाग और मेरे द्वारा उठाया गया हर कदम है, मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब लाना है। ये कुछ अफर्मेशन है जो आपके दिन की शुरुआत अच्छे से करते हैं और आपका जो थॉट प्रोसेस वो भी अच्छा रहता है। अपने आप को मुस्कुराने के लिए मजबूर करने के पीछे कई साइकोलॉजिकल एक्सप्लेन है, लेकिन खुद को ऐसी परिस्थिति में रखना हमेशा बेहतर होता है जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देगी। उदाहरण के लिए, आप हेलो कहने के लिए किसी मित्र के घर रुक सकते हैं, या अपने सोफे पर लेट सकते हैं और कुछ कॉमेडी देख सकते हैं। खुश रहने वाले लोग खुद को उन सिचुएशन में रखना पसंद करते हैं जहाँ वे बहुत मुस्कुराएंगे, चाहे वे आपके लिए हो, चाहे वे पारिवारिक उन्मिलन की स्थापना हो, ताकि आप अपने परिवार को अधिक बार देख सकें, या अपने चचेरे भाई को देखने के लिए यात्रा कर सके, या कुछ भी जो आपको मुस्कुराता हो और आपके दिन को रोशन करने वाला हो। तो आपको उन सारी सिचुएशन को अपने अंदर समेटना होगा और उन सारी सिचुएशन को अपने लाइफ में ऐड करना होगा। ब्रेक आपको अधिक खुश और अधिक प्रोडक्टिव दोनों बनाएंगे, क्योंकि वे आपके ब्रेन को फ्रेश होने के लिए कुछ टाइम देते हैं, जिससे आपको पूरे दिन अधिक एनर्जी मिलती है। लोगों के दो समूह पर एक अध्ययन किया गया, जहां एक समूह ने 8 घंटे के दौरान कोई ब्रेक नहीं लिया, जबकि दूसरे ग्रुप ने हर घंटे 10 मिनट का ब्रेक लिया। इसका रिजल्ट यह हुआ कि ब्रेक लेने वालों के पास काम करने का समय कम था, लेकिन वो अधिक खुश थे और उनकी प्रोडक्टिव को बढ़ावा मिला। इसलिए उन्हें वास्तव में उन लोगों की तुलना में अधिक काम मिला जिन्होंने पूरे 8 घंटे काम किया था, और वो ज्यादा अधिक सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव है, और उनका जो माइंड था फ्रेश रहा। गोल सेट करना सच में कुछ खास होता है। आपके टू डू लिस्ट में उन बॉक्स को टिक करने के बारे में वास्तव में कुछ खास है। गोल सेट करना आपको प्रेरित करता है, और गोल्स तक पहुंचने से आपको खुशी बहुत खुशी मिलती है। खुश रहने वाले लोग छोटे छोटे गोल सेट करते हैं जिन्हें वे पूरे दिन हासिल कर सकते हैं, और जब छोटे छोटे गोल्स को हासिल करते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, मैंने कुछ किया है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अधिक इंस्पिरेशन, डिसिप्लिन और प्रत्येक लक्ष्य तक पहुंचने के साथ सफलता प्राप्त करते हैं, और सफलता ही आपको एक्चुअली में खुश रखती है। जब आप लो फील कर रहे हो तो अपने आप को कुछ नया सीखने के लिए मजबूर करना चाहिए।
जो कुछ भी हो, आपके ब्रेन को कुछ नई जानकारी देने से आपकी क्रिएटिव को बढ़ावा मिलता है, जो बदले में आपके ब्रेन को स्वस्थ और खुश रहने में मदद करता है। जब भी आप निराश हो, उदास हो या एक लय में हो, तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वह है कुछ नया सीखना। यदि आप एक क्यूरियस पर्सन है तो यह मदद करता है, लेकिन किसी भी तरह से वहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी इंटरेस्ट रख पाओ। उसे ढूंढो। जिन चीजों में आपके इंटरेस्ट नहीं, उनके बारे में सीखना मजेदार नहीं है। हो सकता है कि गिटार बजाना सीखना आपके लिए बहुत आकर्षक ना लगे, लेकिन आपको हमेशा पियानो में दिलचस्पी रही हो। आगे बढ़े और सीखे कि कैसे बजाना है पियानो। बस जो कुछ भी आपके लिए दिलचस्प, उसे खोजे और उसके बारे में जाने। इंटरनेट के इस युग में नई जानकारी आपसे केवल कुछ टाइपिंग और कुछ क्लिक की दूरी पर है। सीखने से आपको अपने जीवन में कठिन समय से उभरने में मदद मिल सकती है। आपको बस इतना करना है कि आप अपने आप को एक ब्रेक दें, और जब भी आप कर सकते हैं, अपने ब्रेन को कुछ नई जानकारी दें। दूसरे लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने से भी आपको खुशी होने की पूरी गारंटी है। यदि कुछ नया सीखने से आपको उदासी से उभरने में मदद नहीं मिल रही है, तो इसके बजाय दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। उन गुणों के बारे में सोचें जो आपके पास है, जो दूसरों को बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं। दूसरों की देखभाल करने से पहले खुद की देखभाल करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम में से कुछ सबसे अच्छा तब करते हैं जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे थोड़ी देर के लिए खुद से ध्यान हट जाता है। आपके दिमाग में और आपके जीवन में क्या चल रहा है के बारे में चिंता करने के बजाय अपने ब्रेन को किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए करें। यह बहुत अधिक प्रोडक्टिव है और यह आपको खुशी की खुशी और दूसरों की खुशी दोनों को जोड़ देगा। लोगों की मदद करने के लिए समय निकालने से न केवल उन्हें खुशी मिलती है, बल्कि इससे आपको भी खुशी मिलती है। अन्य लोगों की मदद से आपको ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामिन में वृद्धि होती है। यह सभी अच्छी भावनाएं पैदा करती है। हार्वर्ड के एक अध्ययन में जिन कर्मचारियों ने दूसरों की मदद की, उनके काम पर ध्यान करने की संभावना 10 गुना अधिक थी और प्रमोशन पाने की 40% अधिक थी। उसी अध्ययन से पता चला है कि जो लोग लगातार सोशल समर्थन प्रदान करते हैं, वे उस तनाव के समय में खुश रहने की संभावना रखते हैं। जब तक आप यह निश्चित कर लेते हैं कि आप अपने आप को अधिक प्रतिबद्ध नहीं कर रहे हैं, तब तक दूसरों की मदद करना निश्चित रूप से आपके मूड पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। लोगों के मूल दृष्टिकोण दो कैटेगरी में से एक में आते हैं, एक फिक्स माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स माइंडसेट के साथ आप मानते हैं कि आप वही है जो आप हैं और आप बदल नहीं सकते। जब आपको चुनौती दी जाती है तो यह समस्या पैदा करता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा, जिससे आप एंग्री या ओवरवेल्म्ड या लो फील करते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लोग मानते हैं कि वे प्रयास से सुधर सकते हैं, इससे उन्हें खुशी मिलती है, इसलिए मुश्किलों से निपटने बेहतर होते हैं। एक फिक्स माइंडसेट वाले लोगों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वे चुनौतियों को गले लगाते हैं और कुछ नया सीखने को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मानते हैं। अधिकांश खुश लोग वास्तव में जानते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं जो वे करते हैं, और उनके प्रत्येक कार्य का सफलता प्राप्त करने और खुश रहने की एक लंबी यात्रा में एक रीजन होता है। यूनिवर्सल पर्पस जैसी कोई चीज नहीं होती, और कोई आपको यह नहीं बता सकता कि आपका पर्पस क्या है। इसके बावजूद पर्पस हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट गाइडेंस है। यह हमें अर्थ और पूर्ति की भावना देता है। यह जानना इम्पोर्टेंट है कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। आपका पर्पस यह है कि आप आज सुबह क्यों उठते हैं, या क्यों आप कठिन क्षणों से निकलने का प्रबंध करते हैं। यह एक कारण भी है कि हम जीवन में खुश या संतुष्ट क्यों हैं, क्योंकि हम अपने पर्पस के लिए जी रहे हैं। अपना पर्पस खोजने से आपको यह स्पष्ट करने में मदद मिलेगी कि आप ऐसा क्यों करते हैं जो आप करते हैं। इसलिए आपके सभी कार्य आपके पर्पस के अनुरूप होते हैं और इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। क्या आप इनमें से कोई भी आदत पहले से ही अपना रहे हैं, या आपको क्या लगता है कि आपको कौन सा हैबिट आज से ही लागू करना चाहिए।